आपकी लड़ाई के लिए। आज जो लड़ाई चल रही है ये केवल आप मजदूर की और किसान की छत की लड़ाई चल रही है, ये आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं। आपके बीच में आपने हमें बुलाया 22 तारीख या 23 तारीख में, आपके बीच आए, आपकी समस्या आगे तक रखी और उसमें अधिकारी को बिल्कुल आनंद फानंद में यह निर्णय लेना पड़ा कि आपको अपने बीच बुलाकर आपकी सहमति रखी कि भाई हमें इस तरीके से कर रहे हैं, आपकी बात वार्ता वहां पर हुई। पर अगर आप ये सोच कर बैठ गए, आपने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि भाई हमारा निस्तारण होगा, तो निस्तारण नहीं होगा बिल्कुल भी ना, निस्तारण की स्थिति में ये लोग हैं। ये तो केवल शांत इसलिए है क्योंकि आज हमारे देश, हमारे प्रदेश के सीएम साहब यहां पर आ रहे हैं और कल हमारे देश के पीएम साहब यहां आ रहे हैं, प्रदेश और देश दोनों यहां पर रहेंगे, तो इसलिए 9 तारीख तक आपको छूट है, उसके बाद फिर गिरी बात गिरी चालू हो जाएगी। भाई गांव गांव जाकर इन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया है, कोई भी मजदूर को, कोई भी गांव वाले को ये बिल्कुल छत देने के लिए तैयार नहीं है। अब लड़ाई देखो किसी चीज की नहीं रही है, अब लड़ाई रहेगी छत की। ड्रैकुला क्या कर पाएगा जब हमारे साथ इतने सारे शक्तिमान जुड़े हुए हैं, तो हम सबको शक्तिमान की तरह ही लड़ाई लड़नी है और उस ड्रैकुला को दमनकारी जो नीतियों के खिलाफ चल रहा है उसको हमको दमन करना है। इसी बीच फिर से एक जयकारा लगाएंगे, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, टिकट किसान एकता जिंदाबाद। हमारे सबसे ज्यादा इस महानगर में सबसे ज्यादा पर्ची और सबसे ज्यादा सदस्य बना के ये बता दिया है कि किसान यूनियन से जुड़ने के लिए सब लोग प्रेरित है। प्रेरित इसलिए क्योंकि त्रस्त हो चुके हैं, ना इनका कोई सरकार साथ दे रही है, ना कोई और कोई दर साथ दे रहा है। किसान यूनियन आज ना तो कोई जमीन बचाने की बात कर रही है, ना कोई खेत खलिहान की बात कर रही है, ना 64% की बात कर रही है, ना किसी मुआवजे की बात कर रही है अपनी छत बचाने की। आदमी बड़ी मेहनत से बड़ी मजदूरी करके एक मकान बनाता है इसलिए कि मेरे बच्चे और मेरी आने वाली पीढ़ी इसमें सुरक्षित रहेगी और इसमें हम हंसी खुशी निवास करेंगे। इस सरकार ने आज वो रवैया अख्तियार कर लिया है कि ना किसी के सर पर छत छोड़ने वाली है, ना किसी को बसने देने वाली है। इसने तो एक नीति अपना ली है कि बाहर के आओ और यहाँ उद्योग लगा के इन्हें मजदूर बना के रखो। मेरा आप लोगों से यही कहना है, हम यहाँ पहले भी आए थे और गांव गांव घूम भी रहे हैं कि 9 तारीख कल का दिन सोमवार आपको पूर्व में सबसे ज्यादा संख्या में सिलारपुर